हनी ट्रैप मामले को लेकर गृह मंत्री बाला बच्चन ने कहा कि इस षड्यंत्र में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं उन्होंने इस कार्रवाई के लिए पुलिस अधिकारियों को भी बधाई दी। देखिए एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप मामला सामने आने से हड़कंप मच गया है। भोपाल और इंदौर में हुई युवतियों की गिरफ्तारी के बाद कई राज खुल रहे हैं। ये सभी हाई प्रोफाइल अधिकारियों और व्यापारियों को हनी ट्रैपिंग के जरिए ब्लैकमेल करती थी। इस बीच गृह मंत्री बाला बच्चन का बयान सामने आया है। इंदौर में गृह मंत्री ने कहा कि इस मामले में जांच चल रही है और सरकार गंभीरता से काम कर रही है। गृह मंत्री बाला बच्चन ने बताया कि जो भी हनी ट्रैप मामले में लिप्त हैं सभी बेनकाब होंगे। सरकार इसमें राजनीति नहीं कर रही है। प्रदेश में जो भी इस तरह का षड्यंत्र रचेगा वह बच नहीं पाएगा। खुलासे के लिए पुलिस विभाग को उन्होंने बधाई दी। तो मैं अपनी पुलिस को बधाई देता हूं, अपनी टीम को बधाई देता हूं कि अभी ये जो कल से जो कार्रवाई जो हनी ट्रैप से संबंधित की वो, और दो तीन दिन पहले जो जंगल के जो दस्यु थे जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कई सालों से करीब लगभग 12-13 सालों से कई जघन्य अपराधों में जो शामिल थे उनको भी जो एनकाउंटर में हमारी पुलिस की एनकाउंटर जो हुआ और बड़े जो दस्यु जिसमें कि बबली कोल और लवलेस कोल जो एनकाउंटर में मारे गए, तो ये बड़ी कार्रवाइयाँ हो रही। और जिस तरह से हमने पिछले विधानसभा के चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने और हमारी पार्टी ने जो मध्य प्रदेश की जनता को जो वचन दिए थे पुलिस से संबंधित कानून से संबंधित, उस पर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में बखूबी हम काम कर रहे हैं और उसी के ये रिजल्ट और उसी के परिणाम है। गृह मंत्री ने कहा कि इंदौर और भोपाल की दोनों टीमें काम कर रही हैं। अधिकारी और राजनेता बच नहीं पाएंगे। पुलिस कोई भेदभाव नहीं करेगी। जो भी कानून हाथ मिलेगा वो बच नहीं पाएगा। समय आने पर सबके नाम और पद सामने आएंगे। देखिए इसकी FIR तो इंदौर में हुई है, ठीक है, इंदौर के थाने में हुई है। और जहाँ तक मेरी जो जानकारी में है कि वो पलासिया थाने पर हुई है, तो इंदौर और भोपाल की दोनों टीमें हमारी पुलिस की टीमें इसमें जो काम कर रही है, कार्रवाई स्टार्ट हुई है। इसको हो जाने दीजिए, कार्रवाई को अपना काम करने दीजिए, टीम को अपना काम कर दीजिए। मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को ये बात बोली है कि कोई कितना बड़ा भी व्यक्ति हो, अधिकारी हो, पॉलिटिशियन हो, जो भी हो, कोई भी इसमें बच नहीं पाएंगे, कोई भी छूट नहीं पाएंगे। लेकिन नहीं, बहुत जल्दी आप लोगों के सामने ये सारे इशू सारा मामला आ जाएगा। जो जो भी शामिल है वो सब सारे इसमें आ जाएंगे। अभी पुलिस को अपनी कार्रवाई करने दीजिए। गौरतलब है कि बुधवार शाम को भोपाल से 3 और इंदौर से 2 महिलाओं को हिरासत में लिया गया। इसके बाद प्रदेश भर में इस हाई प्रोफाइल मामले की चर्चा शुरू हो गई। महिलाओं से पूछताछ में उनके पास से कई आपत्तिजनक फुटेज भी बरामद किए गए हैं। ये बात भी सामने आ रही है कि एक IAS से भी इस गिरोह ने मोटी रकम वसूली है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।